फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज बायोलॉजी का कंसेप्ट हार्मोन का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। ये जो हार्मोन की क्लास चल रही है, इसके जो दो क्लास है वो चैनल पे आ चुकी है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और ये जो क्लास है बायोलॉजी की, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेबोरेटरी असिस्टेंट, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासें हैं। बात करते हैं हार्मोन का जो पार्ट थर्ड है, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनन ग्रंथियों के बारे में। जनन ग्रंथियां होती हैं, वो हार्मोन पैदा करती हैं। और आपको पता होना चाहिए जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं जनन ग्रंथियों को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में। और हार्मोन है वो किस ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ये बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दो क्लासेस चैनल पे आ चुकी है। तो ये दो क्लासेस जरूर देखें, तभी आपको ये तीसरी क्लास समझ में आएगी। तो अब बात करते हैं हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है। एक बार रिमाइंड कर देता हूं, हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन पैदा करती है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं जिनको अंग्रेजी में, वो क्या काम करती है, वो एंजाइम पैदा करती है। क्या काम करती है? एंजाइम पैदा करती है। अब बात करते हैं जो जनन ग्रंथियों में पहली जो जनन ग्रंथि है वो कौन सी है, वृषण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? वृषण ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। वृषण ग्रंथि है, ये मेल का पार्ट है, मेल में होती है, मेल मतलब नर के अंदर होती है। और जो दूसरी ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, अंडाशय ग्रंथि की बात करते हैं, जो किसमें होती है, फीमेल में होती है। किसमें होती है? फीमेल में होती है। ये दो प्रकार दो है ना, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से जनन ग्रंथियां जो संतान को जन्म देने का काम करती है और पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करती है जनन ग्रंथियां। तो वृषण ग्रंथि होगी मेल के अंदर और अंडाशय ग्रंथि होगी फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो वृषण ग्रंथि होती है और फीमेल के अंदर अंडाशय ग्रंथि होती है, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेल के अंदर जो वृषण ग्रंथि होती है वो एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, और किस हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, कौन से हार्मोन को पैदा करती है वृषण ग्रंथि, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पैदा करती है वृषण ग्रंथि। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पैदा कौन करती है? वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें होता है? मेल के अंदर होता है। और कौन पैदा करती है? वृषण ग्रंथि, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वृषण को टेस्टिस ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? टेस्टिस ग्रंथि कहते हैं अंग्रेजी में। टेस्टिस ग्रंथि होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पैदा करती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं जो अंडाशय ग्रंथि है वो कितने हार्मोन पैदा करती है। मैं आपको बता देता हूं, जो अंडाशय ग्रंथि है वो तीन हार्मोन पैदा करती है। पहला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो तीसरा हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। दोबारा सुनिए ध्यान से, पहला जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा बात करते हैं, वृषण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करती है, और वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करती है, और जो अंडाशय ग्रंथि है वो तीन हार्मोन पैदा करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है टेस्टिस को एक्साइटमेंट देना, जो वृषण को उत्तेजित करने का काम है वो टेस्टोस्टेरोन करता है। और जो मेल के अंदर मूंछ दाढ़ी का निर्माण होता है और मेल के अंदर जो सेक्सुअली चेंज आते हैं वो किसके कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं, जो टेस्टिस ग्रंथि द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंडाशय ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? जो ओवरी होती है अंडाशय ग्रंथि, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये जो अंडाशय ग्रंथि होती है जिसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं, इसका काम होता है क्या, क्या काम होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो पैदा करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती है अंडाशय ग्रंथि, और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है ओवरी को एक्साइटमेंट देना। किसको एक्साइटमेंट देना? ओवरी, जो अंडाशय को एक्साइटमेंट देने का काम करती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन। और क्या काम है? जो फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल चेंज आते हैं और फीमेल के अंदर जो हार्मोनल जो चेंज आएंगे वो किसके कारण आएंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण आएंगे। और जो ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा या और भी मतलब जैसे कुछ सेक्सुअल चेंज होंगे वो किसके द्वारा आएंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण आएंगे। अब जो दूसरा हार्मोन कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है फीमेल के अंदर? उसका काम है प्रेगनेंसी को बना के रखना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है फीमेल के अंदर? मादा के अंदर गर्भ को बनाए रखने का काम करता है। मादा के अंदर गर्भ को बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
तीसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है फीमेल्स की बॉडी से तो उस टाइम जो बच्चे को बाहर निकालने का काम करता है वो कौन सा हार्मोन काम करता है, रिलैक्सिन हार्मोन, जो मदर को रिलैक्स करता है एक प्रकार से। ये रिलैक्सिन हार्मोन भी कौन पैदा करती है, अंडाशय ग्रंथि। रिमाइंड कर देता हूँ, हार्मोन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और इसका जो पार्ट थर्ड है वो चल रहा है और इसके दो क्लासेज है वो चैनल पे आ चुके हैं और ये बायोलॉजी की क्लास है, ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जनरल साइंस की क्लासेज चल रही है। इसमें जो जनन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जनन ग्रंथियों को अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं और एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बाह्यस्रावी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। मैंने बात की थी वृषण ग्रंथि के बारे में और अंडाशय ग्रंथि के बारे में। जो वृषण ग्रंथि है वो हार्मोन पैदा करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे आपने सुना होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिस व्यक्ति के अंदर लंबे टाइम तक रहता है तो वो व्यक्ति बहुत ही मतलब लंबे टाइम तक क्या रहता है, यंग रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के अंदर क्या काम करता है, मेल्स को यंग रखने का, जवान रखने का काम करता है। जब इंसान की बॉडी के अंदर बुढ़ापा आता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गायब हो जाता है, मतलब टेस्टिस ग्लैंड्स लगभग खराब हो जाती है। टेस्टिस ग्लैंड्स मतलब प्रोस्टेट ग्रंथियां होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है एक प्रकार से टेस्टिस को एक्साइटमेंट देना और भी बॉडी के अंदर एक प्रकार से एक्टिवनेस, चुस्ती रखना और भी कई चीजें होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या काम करता है, जैसे मूंछ दाढ़ी का निर्माण होना और जो एज के अंदर चेंज आना, आवाज के अंदर चेंज आना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के जो कारण होता है। और ये वृषण ग्रंथि जो मेल के अंदर होती है वो पैदा करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब बात करते हैं अंडाशय ग्रंथि जो फीमेल के अंदर होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन तीन हार्मोन पैदा करती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन कितने हार्मोन पैदा करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का काम होता है ओवरी को एक्साइटमेंट देना और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को बना के रखना और रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है फीमेल के अंदर जो बच्चा होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, वो करता है रिलैक्सिन हार्मोन जो फीमेल को रिलैक्स करने का काम करता है। अब बात करते हैं ये हो गई भी जो भी हार्मोन्स के जो मेल जो एक प्रकार से मेल और फीमेल के अंदर जो हार्मोन है उनके बारे में मैंने आपको बताया, ये तो है ह्यूमन बॉडी के जो हार्मोन है उनकी बात की जा रही है। अब जो आगे जो कंसेप्ट आएगा वो आएंगे प्लांट्स हार्मोन, प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ ये थर्ड क्लास के अंदर सभी चीजों को, पहली जो ग्रंथि पढ़ी थी हमने पढ़ी थी पहली क्लास के अंदर, उसका नाम था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मैंने आपको बताया था कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि, जो ब्रेन के अंदर होती है पहली ग्रंथि थी जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना गया था पीयूष ग्रंथि को। और दूसरी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी थी, अग्नाशय ग्रंथि, जिनको पैनक्रियास ग्रंथि कहा जाता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है होता है। तो ये दो क्लासेज आप देख लेना तभी जाके आपको एक क्लास समझ में आएगी, अगर आपको दो क्लासेज नहीं देखिए तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना दिया गया है वहां जाके आप उन क्लासेज को देख सकते हो। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि के बाद में अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जिसको पैनक्रियास बोलते हैं, और उसके बाद में कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, पैराथायराइड ग्रंथि वो भी गले में होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी थी वो थी जो क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जिसको कहते हैं अतिव्रत ग्रंथि। एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज किया था, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। इन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था उस क्लास के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो हार्मोन का जो कंसेप्ट है, ये पार्ट थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो पार्ट फोर है वो प्लांट्स हार्मोन से रिलेटेड आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर ये बायोलॉजी की जो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, थैंक यू।